अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक का आगाज किया था जिसका नाम है सिस्टम डेवलपमेंट। सिस्टम डेवलपमेंट का टॉपिक पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर तो मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी बुक्स के अंदर ये टॉपिक मौजूद नहीं है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सिस्टम और सिस्टम के कॉम्पोनेंट्स को डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और इनके फेसेस को निहायत ही डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, आइए अपने लेक्चर का बकायदा आगाज करते हैं इस सवाल के साथ कि आखिर सिस्टम्स बनाए क्यों जाते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम का हल तलाश करने के लिए सिस्टम्स को बनाया जाता है। पहले हम एक शहर से दूसरे शहर रवाबित बढ़ाने के लिए, अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए खतों का इस्तेमाल करते थे और उन खतों को पोस्ट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा करते थे, जिसकी वजह से कई कई दिन लग जाते थे। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए टेलीफोनिक सिस्टम्स बनाए गए, जिनके जरिए हम मिनटों में एक शहर से दूसरे शहर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क और दुनिया में कहीं भी रابطे कायम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यानी किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए प्रॉब्लम का होना निहायत ही जरूरी है। ना सिर्फ प्रॉब्लम का होना, बल्कि प्रॉब्लम का क्लियरली डिफाइन होना, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी प्रॉब्लम डिफाइन होगी, उसी हिसाब से आपका सिस्टम डेवलप किया जाएगा, उसी हिसाब से वो सिस्टम आपकी प्रॉब्लम को हल कर सकेगा। तो दोस्तों, किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए एक लाइफ साइकिल, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहलाता है। दोस्तों, किसी भी सिस्टम को बनाने के पीछे हम दरअसल किसी ना किसी सॉफ्टवेयर को बना रहे होते हैं, इसीलिए इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहा जाता है। दोस्तों, सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले किसी न किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, फिर उसको डेवलप करते हैं, यानी उसको बनाते हैं, और फिर उसको टेस्ट करते हैं कि आया ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहा है या नहीं। दोस्तों, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मेन मकसद हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को बनाना है, जो कि कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा कर रहा हो, इसीलिए इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस भी कहा जाता है। किसी भी सिस्टम के कामयाब होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो किस हद तक आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। दोस्तों, जिस तरीके से आप पैदा होते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि आपको इस दुनिया से रुखसत होना होता है, बिल्कुल इसी तरीके से सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर एक लव्स लाइफ का इस्तेमाल किया गया है, जो कि किसी न किसी ड्यूरेशन और साइकिल को, एक लाइफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर सबसे पहले सिस्टम को डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है, फिर उससे मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि नया सिस्टम उस पुराने सिस्टम को रिप्लेस कर देता है, जिसको उस सिस्टम की लाइफ साइकिल कहा जाता है। दोस्तों, ये आपको एक रास्ता फराहम करता है, जिसके जरिए, यानी जिन पर चलकर, जो कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, जिन पर चलकर आप अपने सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं और मतलूबा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स अलग अलग फेसेस पर मुश्तमिल है, जिनमें सबसे पहले है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद है एनालिसिस, जिसके अंदर अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जाता है, उसके बाद है डिजाइन, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की डायग्राम्स और फ्लो डायग्राम्स के जरिए सिस्टम को डिजाइन किया जाता है, फिर उन डिजाइन सिस्टम को डेवलप किया जाता है कोडिंग के जरिए। दोस्तों, यहाँ तक आपका सिस्टम डेवलप हो चुका होता है, बन चुका होता है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग फेज के अंदर इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि क्या सिस्टम आपकी प्रॉब्लम को हल भी कर रहा है या नहीं। उसके बाद इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, यानी सिस्टम को कस्टमर के हैंडओवर कर दिया जाता है। और सेवेंथ स्टेप, यानी मेंटेनेंस के अंदर, अगर आपके सिस्टम में कोई डेफिशिएंसी, कोई कमी बेशी रह गई है, तो उसको पूरा किया जाता है। दोस्तों, ये तमाम स्टेप्स हम लाइन वाइज समझने के लिए, लर्निंग के लिए अलग अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप एक स्टेप से गुजर चुके हैं तो आप वापस उस स्टेप पर नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको एनालिसिस के वक्त पता लगा है कि आपने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली नहीं किया है, तो आप वापस इस स्टेप पर जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को दोबारा शुरू कर सकते हैं और पूरा करके दोबारा इस स्टेप पर जम कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि हर स्टेप को प्रॉपरली पूरा किया जाए, केयरफुली, एहतियात के साथ पूरा किया जाए,
क्योंकि हर स्टेप एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर आपने एक स्टेप को सही नहीं किया होगा तो इसका असर दूसरे स्टेप पर पड़ सकता है। दोस्तों सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी के अंदर मौजूद फेसेस, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अलग अलग फेसेस पर मुश्तमिल है, तो आइए इन फेसेस को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों किसी भी सिस्टम को डेवलप करने का, बनाने का ये पहला स्टेप है, इसीलिए इसको इनिशियल सर्वे या फिर इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन भी कहा जाता है। दोस्तों इसके अंदर एक प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, उन सॉल्यूशंस की लागत और उनके फवायद को एक रिपोर्ट के जरिए बताया जाता है। दोस्तों प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में इस बात का तयन किया जाता है कि क्या एक नए सिस्टम को बनाने की जरूरत है भी या नहीं। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अलग अलग सब स्टेप्स पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर सबसे पहला स्टेप है सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों सिस्टम रेफर करता है किसी न किसी प्रॉब्लम को। हम ये जानते हैं कि सिस्टम किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। जब हम किसी सिस्टम को डेवलप करते हैं तो इन स्टार्ट हमें उसकी प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना होता है, क्योंकि उसी पर हमारा सारा सिस्टम मुंहसिर होता है। दोस्तों अगर बाद में आपका सिस्टम सही से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि शुरुआत में सिस्टम आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपने उसकी प्रॉब्लम को सही से समझा ही नहीं। दोस्तों सिस्टम आइडेंटिफिकेशन या फिर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को पढ़ते वक्त हमें किसी ना किसी एग्जांपल को अपने माइंड में जरूर रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक फी कलेक्शन सिस्टम है, एक फी कलेक्शन यूनिट है, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी फीस को फैकल्टी और रोल नंबर वाइज सबमिट कराते हैं। फी कलेक्टर जो फीस को कलेक्ट कर रहा होता है, वो सबसे पहले फीस को सबमिट करने के बाद उनको एक रिसिप्ट देता है। रिसिप्ट देने के बाद फीस को अलग अलग रजिस्टर्स के अंदर एंटर करता है, यानी उसकी एंट्रीज को फैकल्टी नंबर वाइज, फैकल्टी रजिस्टर वाइज उसके अंदर एंटर करता है। दोस्तों अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स एक वक्त में फीस को सबमिट कराने के लिए आ जाएं, तो ये फी कलेक्टर के लिए एक मुश्किल दरपेश होगी, एक मुश्किल काम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक मुश्किल दरपेश हुई, जिसके हल के लिए ये सोचा गया कि इस तमाम सिस्टम को कंप्यूटराइज किया जाए। तो दोस्तों जब भी कोई नीड अराइज होती है, कोई जरूरत पेश आती है, तो वो एक नए सिस्टम की बिगनिंग होती है, एक नए सिस्टम की शुरुआत होती है। दोस्तों सिस्टम आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम क्या रिजल्ट निकालते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम के लिए क्या हमें नए सिस्टम की जरूरत मौजूद है, यानी उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्या नए सिस्टम को बनाने की ही जरूरत है, या फिर अगर कोई पुराना सिस्टम मौजूद है तो क्या उसके अंदर चेंजिंग के जरिए, उसके अंदर तब्दीली के जरिए हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों सिस्टम आइडेंटिफिकेशन के बाद जो दूसरा स्टेप है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का, वो है सिस्टम स्कोप। स्कोप के मायने होते हैं लिमिटेशंस, हुदूद, यानी एक सिस्टम को बनाने के लिए आपके पास कितनी लिमिटेशंस हैं, कितने वसाइल आपके पास मौजूद हैं, इसका तायुन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें सबसे पहले है रिसोर्सेस, यानी आपके पास कौन कौन से हार्डवेयर मौजूद हैं एक सिस्टम को बनाने के लिए। इसके अलावा आपके पास कितनी लागत और कितना टाइम मौजूद है एक सिस्टम को बनाने के लिए, और टाइम और कॉस्ट के अलावा आपके पास कितने लोग मौजूद हैं जो कि आपके सिस्टम को डेवलप कर सकें। दोस्तों सिस्टम स्कोप के बाद तीसरा स्टेप है ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। दोस्तों ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस मींस बहुत सारे सॉल्यूशन। हम ये जानते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मौजूद तो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, पिछली एग्जाम्पल के अंदर सिर्फ ये तो नहीं था कि हम उस सिस्टम को कंप्यूटराइज कर दें, हम ये भी कर सकते थे कि हम एक से ज्यादा फी कलेक्टर्स को रख दें, तो इस तरीके से भी हमारी प्रॉब्लम हल हो सकती थी। तो दोस्तों किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक से ज्यादा सॉल्यूशन मौजूद होते हैं। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के स्टेप के अंदर हम उन सॉल्यूशन में से जो सबसे ज्यादा बेस्ट सॉल्यूशन होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, और उनको सिलेक्ट करने के बाद उन तमाम सॉल्यूशंस को अगले स्टेप यानी फीजिबिलिटी स्टडी के अंदर डालते हैं। दोस्तों फीजिबिलिटी मीनिंग्स होता है पॉसिबिलिटी, यानी जो भी हमने सॉल्यूशंस सिलेक्ट किए हैं, जो भी हमने सॉल्यूशंस को चूज किया है, क्या वो डेवलप करना मुमकिन है भी या नहीं। दोस्तों जब भी आप कोई मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि उसके अंदर तमाम फीचर्स आपकी पसंद के मौजूद हों, लेकिन हम जो भी चीज खरीदते हैं, हमें उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन या फिर रुकावटों का सामना करना पड़ता है।
फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल में सारे फीचर्स मौजूद भी हैं, लेकिन वो कॉस्टली हो सकता है, आपके बजट के बाहर हो सकता है। इसके अलावा एक मोबाइल आपको पसंद भी आ जाता है लेकिन उसका सर्विस सेंटर आपके घर के करीब नहीं होता। तो दोस्तों जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं हमें उसमें अपनी प्रायोरिटीज, अपनी तरजीहात को सेट करना होता है, यानी एक लिस्ट बनानी होती है कि भाई मुझे ये फीचर्स चाहिए। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट तरजीहात आपको साउंड को देनी है या फिर आपको उस मोबाइल के कैमरे को देनी है। और इस तरीके से नंबर वाइज आप एक लिस्ट बनाते हैं और उस हिसाब से जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मौजूद होते हैं उनको रेट करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये कहाँ पर सेट होते हैं। इस तरीके से कैलकुलेशंस के बाद जो जो हमारी लिस्ट में बेस्ट होता है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल यही काम फीजिबिलिटी स्टडी में किया जाता है दोस्तों। तीन चीजों की फीजिबिलिटी का तयन किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है इकोनॉमिकल फीजिबिलिटी। दोस्तों इकोनॉमिकल फीजिबिलिटी में हम इस बात का तयन करते हैं कि जो जो सॉल्यूशंस हमने ढूंढे हैं उनमें हमें कितनी लागत बर्दाश्त करनी पड़ेगी और उससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, यानी क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। दोस्तों जिस सॉल्यूशन के बेनिफिट्स, फायदे कॉस्ट की निस्बत ज्यादा होंगे तभी हम उन सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करेंगे, वरना नहीं। और ये हम तमाम अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के लिए करते हैं। दोस्तों इसके बाद है टेक्निकल फिजिबिलिटी। दोस्तों टेक्निकल फिजिबिलिटी में हम इस बात का तयन करते हैं कि हमारा डेवलप होने वाला सिस्टम टेक्निकल फिजिबल है भी या नहीं, यानी जो सॉल्यूशंस हमने अपने माइंड में रखे हैं उसके लिए जो टेक्नोलॉजीज चाहिए वो मिल भी जाएंगी या नहीं। दोस्तों अगर आप किसी रूरल एरिया, किसी देहाती एरिया के लिए कोई सॉल्यूशन बनाते हैं और बाद में आपको पता लगता है कि भाई यहाँ तो इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर आपका वो सॉल्यूशन बेकार गया। तो दोस्तों इसके अंदर पहले ही इन चीजों का सर्वे किया जाता है कि जो जो टेक्नोलॉजीज एक सॉल्यूशन को डेवलप करने के लिए, एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए चाहिए वो मौजूद है भी या नहीं, यानी आपका सिस्टम टेक्निकली फिजिबल है भी या नहीं। दोस्तों टेक्निकली फिजिबिलिटी के बाद है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। दोस्तों ऑपरेशनल फिजिबिलिटी यानी जो सॉल्यूशन आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया है क्या वो कारामद होगा भी या नहीं। यानी कोई भी सिस्टम जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं तो या तो ऑर्गेनाइजेशन के लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर यूजर्स यानी आप इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन आप बनाते हैं और वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, यानी उसको चलाना बहुत मुश्किल है, तो दोस्तों उसका ऑपरेशनल फिजिबल होना नहायत ही मुश्किल है। तो इन तमाम चीजों की बुनियाद पर किसी भी सिस्टम को स्टडी किया जाता है। दोस्तों ये किसी एक सॉल्यूशन पर नहीं किया जाता बल्कि वो तमाम अल्टरनेटिव्स जो कि अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के जरिए हमें मिलते हैं उन तमाम पर फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है। और फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जो कि फिजिबल रिपोर्ट या फिर प्रीलिमिनरी प्लान कहा जाता है। दोस्तों ये रिपोर्ट रिजल्ट होता है फिजिबिलिटी स्टडी का, जो कि एक रिटन फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट होती है जो कि मैनेजर को दी जाती है। इसके अंदर प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन किया जाता है और जो भी फिजिबिलिटीज हमने निकाली हैं उनको लिस्ट डाउन किया जाता है और उस लिस्ट को देखकर मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि किस कौन सा सॉल्यूशन उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट होगा, यानी कौन से सॉल्यूशन को, कौन से सिस्टम को हमें डेवलप करना है जो कि ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिट हो बल्कि फ्यूचर के लिए भी फ्लेक्सिबल हो और कॉस्ट वाइज यानी लागत वाइज भी हमें बहुत ज्यादा महंगा नहीं पड़े। तो दोस्तों इन तमाम चीजों की बुनियाद पर एक सिस्टम को डेवलप करना स्टार्ट किया जाता है। ये तमाम चीजें प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होती हैं। इसके बाद जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का दूसरा स्टेप है वो है सिस्टम एनालिसिस, जिसको हम अगले लेक्चर के अंदर नहायत ही डिटेल में पढ़ेंगे।